आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिटलर के रास्ते पर चल रही है और जिनसे चुनाव हारने का डर हो उन सभी को जेलों में बंद किया जा रहा है और जेल में भी आम लोगों की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं हो रहा। आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 साल से जो तथाकथित शराब घोटाले का जो मामला चल रहा है, जो झूठे केस में हमारे शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाला जा रहा है, पिछले 3 साल से एक के बाद एक बड़े नेता को जेल में बिठा रखा है। आपको मैं बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से फर्जी केस इन्होंने बनाया है, 3 साल से जितनी भी गृह मंत्रालय की, अमित शाह जी की जितनी भी जाँच एजेंसियाँ हैं, उन्होंने खंगाल दिया हर चीज को। एक बार नहीं, 10-10 बार उन्होंने खंगाल दिया है। आज तक एक भी चुन्नी का भी जो भ्रष्टाचार है वो प्रूव नहीं हुआ, एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। तो ऐसा क्या है कि 3 साल से हमारे नेताओं को इन्होंने जेल में बिठा रखा है? आप सभी जानते हैं हिटलर के बारे में, हिटलर शाही जो होती थी, हिटलर ने जो काम किए, हिटलर को जिससे डर लगता था उसको वो जेल में डालता था या उसको मार देता था, वही कारण वही तरीका आज यहाँ पे केंद्र में बैठी हुई जो मोदी सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, इन्होंने यही रवैया अपनाया है। पहले शुरुआत इन्होंने की थी वोट चोरी करने से। आप सभी ने देखा कि जग जाहिर बात हुई चंडीगढ़ के अंदर, ये मेयर इलेक्शन में किस तरीके से वोट की चोरी करवा रहे थे, उसमें कामयाब नहीं हुए, उसमें ये फेल हुए, भ्रष्टाचार इन्होंने किया। फिर इन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए, सारे जब दाव इनके फेल हो गए तो इन्होंने लास्ट में एक हथकंडा अपनाया कि इनको झूठे केस में जेल में डाला। आप सबको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके का एक्ट लगा दिया गया है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है, पीएमएलए सेक्शन 45 का एक ऐसा एक्ट हमारे नेताओं के ऊपर लगा दिया जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि क्या है। ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए ऐसे पर्सन के ऊपर लगाया जाता है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा कोई केस, ऐसा कोई मामला होता है, देशद्रोह का जो मामला बनता है। तो हम भी जानना चाहते हैं, आज मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता ये जानना चाहती है कि 3 साल से आपने हमारे नेताओं को अंदर बिठा रखा है, आज तक पई भर की चुन्नी भर की रिकवरी नहीं हुई है, फिर भी आप लोग जो है जमानत, निचले कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, फिर भी आप हमारे नेताओं को बाहर नहीं आने देना चाह रहे, क्योंकि सबसे बड़ा डर इनको यही है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो ये जो मोदी और शाह का जो डर है ये इनको सता रहा है, पर ऐसा नहीं है, सत्य में वो जयते हमेशा लास्ट में सत्य की जीत होगी। और जिस तरीके से हमारे नेता इनके आगे नहीं झुके, अगर भ्रष्टाचार की बात है तो मैं बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी सारे आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको MP MLA इन्होंने बना दिया। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, पहले 3 महीने जांच होती है, उसके बाद भाजपा में उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है और चुनाव के दौरान में उनको टिकट देके MP या MLA बनाया जाता है। भ्रष्टाचारी तो सारे वहां पे बैठे हैं, हमारे नेताओं ने ये कबूल नहीं किया, हमारे नेताओं ने भाजपा में जाना कबूल नहीं किया, इसलिए उनको जेल में डाला जा रहा है। और आज भी हमारे जो और सेकंड लाइनर नेता जितने भी है उनको भी सबको प्रताड़ित किया जा रहा है।